वेलकम स्टूडेंट्स, मैं दिवाकर मिश्रा आज आप लोगों को क्लास 10 टॉपिक वास्तविक संख्याएं रियल नंबर में क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसा कि दिया है क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप में होता है, जहां क्यू है पूर्णांक है, इसको हमें निकाल के लाना। तो इसके लिए पहले ए कह रहा है, ए क्या है, विषम मान लेंगे, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक और बी बराबर 6। ये बी बराबर 6 कहां से आया, ये बी बराबर 6 ये दिया है, बी क्यू प्लस सी होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी बराबर 6 है, इसलिए यहाँ पे बी बराबर 6 देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रवेका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, और आर का मान ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन 6 आर का मान होगा इसके बीच में, क्योंकि ये बी बराबर 6 है, तो R का मान 0 6 के बीच में रखना। R का मान रखें 0 1 2 3 4 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रवेका क्या, a बराबर bq प्लस r, तो हम R की R बराबर पहले क्या रखें 0, तो R बराबर 0 फिर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो a बराबर 6 क्यू प्राप्त होगा सबसे पहले। इसी प्रकार R बराबर 1 फिर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a बराबर 6³ + 1 आएगा इस समीकरण r बराबर। इसी प्रकार r बराबर 2 रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a बराबर 6³ + 2 आएगा। इसी प्रकार r बराबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये आएगा a बराबर 6³ + 3। इसी प्रकार r बराबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a बराबर 6³ + r। इसी प्रकार r बराबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 5 रखेंगे तो a बराबर 6³ + 5। तो 5 तक मान रखने जो मान रख लिए, अब हमें वो संख्या निकालनी जो a 6³ + 1 विषम संख्या प्राप्त करनी, क्योंकि 6³ a एक विषम पूर्णांक है, 6³ + 2 6³ + 4 ये क्या है, ये है सम संख्याएं हैं जो दो से विभाज्य हो जाएं, इसलिए इन संख्याओं को छोड़ देंगे। हमें कौन सी लानी है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 ये संख्या लेनी, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ + 1 या 4³ + 3 के रूप में होता है, इस क्वेश्चन को हल करना। धन्यवाद।